Hey cuties, और ऐसे ही हम आगे भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे जिस 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 बस चलते रहेंगे बस चलते रहेंगे और आप लोग मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहना तो चलो आज मैंने ऑर्डर किया है स्ट्रिंग आर्ट किट मैंने ना बहुत जगह देखा है ये स्ट्रिंग आर्ट कैसे होती है और मुझे बहुत ज्यादा अंदर से था कि मुझे भी करना है मुझे भी करना है। तो आज हम एज अ बिगिनर स्टार्ट करेंगे एंड एज यूजल मैंने किट मंगवा ली है तो इसमें ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं जो आज हम यूज करने वाले हैं हमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो चलो फटाफट से पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं

ओके okay, तो हमें एक छोटी सी ब्लैक स्केच पेन भी मिली है और इन्होंने फैब्रिक ग्लू दिया बिकॉज हमें हर तरफ वूल ही वूल ग्लू करना है और ये रहे कुछ गूगली आईज साथ में एक बैकड्रॉप और बहुत सारे कटआउट्स मिले हैं वैसे इस पूरे किट में सिर्फ कटआउट्स के अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं थी हमारे पास घर पे वूल भी था हमारे पास गूगली आईज भी थी हमारे पास स्केच पेन भाई साहब हमारे पास बहुत अच्छे वाले स्केच पेन थे और हमारे पास ग्लू भी था हमारे पास सब कुछ था सिर्फ हमारे पास क्या नहीं था कटआउट्स चलो ठीक है ये एक बिगनर है वाला किट है तो एक बार इसमें ट्राई करके देखते हैं और अगर हम सक्सेसफुल हुए, तो आगे हम और भी बहुत सारी स्ट्रिंग आर्ट करने वाले हैं तो आर यू गाइज एक्साइटेड तो चलो मैं आपकी एक्साइटमेंट को खराब नहीं करना चाहती हूँ और फटाफट सब बनाना स्टार्ट करते हैं ओके सो मैनुअल में सबसे पहले नंबर वन पे है हमारे पास टर्टल तो सबसे पहले हम टर्टल बनाएंगे T1, T2, T3 टी थ्री एंड टी इसके चार पीसेस हैं तो सबसे पहले फटाफट से चारों पीसेस हम निकाल लेंगे ये एकदम जिग्जॉप पजल के जैसा सैटिस्फाइंग फील हो रहा है तो सबसे पहला पीस T1 मैंने ले लिया है जिसमें लिखा है ब्लू कलर का वूल यूज करके हमें रे स्ट्रिंग मेथड से कवर करना है बट मैं हमेशा की तरह एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेती हूँ इसलिए मैं रे स्ट्रिंग मेथड नहीं यूज करी हूं मैं यूज करी स्क्वायर एंड ट्राइंगल मेथड बस एंड में जितने भी कट्स है ना उसी के थ्रू आपको वूल को इधर से उधर नचाना है कभी स्क्वायर मोशन में कभी ट्राइंगल में कभी रे स्ट्रिंग में कभी कैसे भी वैसे इन ऑल अगर शॉर्ट में बोलूँ तो गुचुर पुचुर करना है। तो अदिति लाओ मुझे तो मैं भी करूंगी छोटी गुचुर पुचुर करना है स्पॉइल नहीं करना है आप बस देखो हाँ, कभी नहीं करने देती हो। अरे बाबा अच्छा ठीक है जितने भी प्लांट्स और पेबल्स है ना, इसमें आप कर लेना बाद में दीदी, यू। चलो एंड में पीछे साइड से वूल कट करके ग्लू कर देंगे सो नेक्स्ट टी टू एंड टी थ्री हम येलो कलर से करेंगे ट्राइंगल एंड स्क्वायर मेथड यूज करके जो हमने अभी तुरंत यूज किया था वही वाला तो so, यहाँ पे हमें मिडिल पोर्शन छोड़ना है और दोनों साइड्स को बस कवर करना है बिकॉज पोर्शन जाके पीछे साइड से ग्लू हो जाएगा मेन बॉडी में so, मैंने डब्बे एंड मैनुअल को ध्यान से देखा उसमें बहुत ज्यादा वूल उन्होंने नहीं लपेटा था बट मैं दो दो लेयर कर रही हूँ ताकि भरा भरा लगे और सुंदर लगे लास्ट का प्रोसेस सब में सेम रहेगा पीछे साइड से वूल कट करके ग्लू कर दो और ऐसे ही हम चारों तरफ करेंगे और ना हमें ओह भी लेके चलना पड़ेगा बिकॉज कुछ कुछ पीसेस में एकदम नील लिखा हुआ है मतलब हमें ना उसमें वूल कवर करना है ना कुछ करना है तो ऐसे प्लेन व्हाइट तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगने वाला है ना और यार हम कोई भी चीज को ऐसे प्लेन नहीं छोड़ते हैं थोड़ा सा तो उसमें कुछ डिटेलिंग या क्रिएटिविटी दे ही देते हैं तो इसलिए चलो वो भी लेके चलते हैं एग्जैक्ट सेम वूल के कलर का स्केच पेन लेंगे और मुंह में हल्का हल्का स्ट्रोक्स बनाएंगे जैसे वूल की स्ट्रोक्स आती है अर आई गेस हमारे चारों पीसेस रेडी हो गए हैं अब चारों को साथ में ग्लू करते हैं इनका दिया हुआ फैब्रिक ग्लू ही यूज करिए और ये गूगली आइज बहुत बड़ी है भाई हमें ना छोटी वाली गूगली आइज भी लेना पड़ेगा तो मैं ये पूरा डब्बा ही लेके चलती हूँ भाई अगर मैं बड़ी वाली आई लगा देती आप ग्रीन ब्लू सब साथ में यूज कर सकते हो बट मैंने ऐसा नहीं किया मैंने ब्लू की बॉडी करी और येलो का हाथ पैर और मुंह किया सो ये काफी नीट लग रहा है अब और ऐसा ही टर्टल होना चाहिए तो चलो फटाक से हम टर्टल को नाम दे देते हैं तो टर्टल को हम लोग क्या नाम दे छोटी क्या बोलती हो इसका नाम टूटू टूटू ठीक -टू। है भाई तो हमारे टर्टल का नाम है टू टू लो छोटी मैंने दो चीज अपने एंड से लगा दी है गूगली आईज और ओहू मार्कर्स अब मैं और कुछ भी नहीं यूज करने वाली हूँ आज मैं कसम खाती हूँ कि जो जो चीजें सिर्फ किट में मिली है मैं वही यूज करूंगी चाहे जो हो जाए ओके okay, तो मैनुअल में सेकेंड नंबर पे है सी हॉर्स तो चलो फटाक से सी हॉर्स बनाते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें ग्रीन कलर का बनाना है सो लेट्स डू इट सी हॉर्स के तीन पीसेस है एस एच वन एस एच टू एंड एस एच थ्री पहला पीस एस एच वन को मैं ग्रीन एंड येलो से करना है बट मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रीन यूज करूंगी येलो यूज करके उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती हूँ उसको डिसेंट सा लगना चाहिए क्यूट ही से लगना चाहिए तो इसमें भी मैं ट्राइंगल एंड स्क्वायर मेथड यूज करी हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर हमने ऑलरेडी बना लिया और ये ट्राइंगल भी बना दिया एक्चुअली टू बी ऑनस्ट स्क्वायर एंड ट्राइंगल मेथड में सिर्फ स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स ही बनते हैं बिकॉज मेरे अंदर पेशेंस नहीं है इसलिए मैं कुछ 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 करना स्टार्ट कर देती हूँ तो बोल रही थी, थी, मुझे दे दो मैं सिर्फ स्क्वायर एंड ट्रायंगल बनाऊंगी छोटी तो टू में निल लिखा है इसलिए हम उसको सिर्फ कलर करेंगे और रेड कलर का ही मैं एस करने वाली हूँ इसलिए को भी किया, लेकिन एस लेकिन थ्री को हम वूल से कवर करेंगे तो इसका एक एंड तो शार्प था बट दूसरा एंड ध्यान से देखो तो कव है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुई बट हो गया चलो ये भी कम्पलीट हो गया इसमें भी ग्लू लगा दिया है अब बारी है तीनों पीसेस को साथ में ग्लू करने की और सी हॉट के लिए मैं बड़ी वाली ही गूगली आई यूज करूंगी तो असली वाला भी नहीं देखा तो कहा तो दे देते हैं तो हमारे हॉर्स का नाम है सीहू छ सी नहीं।, <laughs> नहीं आपने एक नाम दिया एक नाम मैं दूंगी टू आपने दिया अब सीहू मेरी तरफ सेहू इज काफी क्यूट है न चलो तो मैनुअल में नेक्स्ट है फिश जो कि हम इसमें नहीं बनाने वाले हैं। मैंने पहले ही बोल दिया कि वो मैं शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगी सो स्टे फॉर द शॉर्ट वीडियो और नेक्स्ट है जेली फिश तो मैं सोच रही हूँ जेली फिश को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टार फिश तो मैं सोच रही हूँ की चलो पहले स्टार फिश बना देते हैं फटाक से वॉट से और बनाते हैं तो इसका बस एक ही पीस है SF1। so, I am using pink wool और इसमें ना ही ray string method हूं और ना ही ही कर रही और वाला इसमें ऐसे रैंडम ही मैं इधर से उधर बस घुमा रही हूँ आपको लग रहा होगा मैं आपको भी इधर उधर घुमा रही हूँ बट ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ यूज करने वाले जेली फिश में <laughs> और ये वीड्डी गूगली वूगली, वूगली वूग आंखें लगाएंगे मतलब भाई तुम सच में एक नंबर के सितारा लग रहे हो एकदम स्टार तो मैं ना तुम्हारा नाम ज्यादा तुम्हारा नाम सोचना नहीं पड़ेगा तुम्हारा नाम मैं सितारा रख देती हूँ ठीक है तारा हाँ, तारा एक्चुअली ज्यादा प्यारा लग रहा है तो है तो ठीक मैं तुम्हारा नाम तारा रख देती हूँ चलो तो लास्ट में बनाते हैं जली फिश और इसको बनाने के लिए मैं काफी एक्साइटेड थी इसलिए मैंने इसको लास्ट में बचा के रखा बट मुझसे अब अपनी एक्साइटमेंट होल्ड नहीं हो रही है तो चलो फटाक से जेली फिश बनाते हैं इसमें भी बस एक ही पीस है जे वन तो रेड कलर से मैं रे स्ट्रिंग मेथड यूज करी और ध्यान से देखो तो टॉप वाला पॉइंट सेम है और फिर कॉर्नर्स चेंज हो रहे हैं ऐसे ही अब दूसरा पॉइंट लेंगे और कॉर्नर्स चेंज करते जाएंगे तो so, बेसिकली सारे को हमें एक एक बार करके मेन पॉइंट बनाना है बस फिर एज यूजल पीछे साइड ग्लू कर दो एंड इट्स डन लेकिन अभी गूगली आई लगाएं लगाएंगे गूगली आई लगाने के बाद अभी तो ये सिर्फ जेली फिश का मुंह कम्प्लीट हुआ है येस यू गॉट इट राइट तो अब मैं बहुत सारे वूल कट करूंगी सेम लेंथ के और एकदम कलरफुल सा उसके नीचे बनाते क्या होता है उसके हाथ होते हैं पता नहीं जो भी होता है बट बहुत कलरफुल बनने वाला है तो पीछे साइड से वन वन बाय हम ग्लू कर देंगे, कलर it, कि ये फिश क्यूट बनी है और इसका नाम भी मैंने सोच लिया है तो छोटी ने दो नाम रख दिए एक नाम मैंने रखा है तो इसका नाम अब मैं रखने वाली हूँ फॉर श्योर इसका नाम है जस जेली <laughs> <laughs> जस्ट जेली कैसी हो ऊपर <laughs> ऊपर क्यूट हो तुम भाई स्ट्रिंग आर्ट एक्सपीरियंस इज काफी गुड और मैं नो डाउट फ्यूचर में और भी स्ट्रिंग आर्ट करने वाली हूँ और ये तो बिकॉज एज अ अगिन मैंने किया तो वूल यूज कर लिया बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी वूल दिए थे बट जितना फाइन मटेरियल आप यूज करोगे ना जैसे थ्रेड या बहुत मटीरियल आते हैं पतले 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 होते जाते हैं उतना ज्यादा ये फाइन बनेगा उतना ज्यादा सुंदर लगेगा देखने में तो चलो जल्दी ही कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं तो इसके साथ ये टेम्पलेट दे रखा है और ये वाला जो फ्रेम था हमने निकाला था तो ये एज अ फ्रेम यूज कर सकते हैं और फ्रेम को थोड़ा सा डेकोरेट कर लो ऑफ कोर्स बस तो ये बन गया एक सीनरी अपने सारे मास्टरपीस को रैंडमली अरेंज कर दो और फिर इसको अपने मास्टर बेडरूम में या कहीं पे भी डेकोरेट कर दो तो चलो फटाक से कमेंट में बताओ सबसे अच्छा क्या लगा टू टू <laughs> हू <See who? laughs> या फिर तारा या फिर आपकी प्यारी जल जली चलो जल्दी से कमेंट में बताओ सबसे अच्छा क्या लगा चलो फिर भाई साहब इतनी तेज धूप आ रही कि मेरा पूरा मोबाइल गर्म हो गया भाई एक्सप्लोर करना मैं बस वीडियो यहीं पे खत्म कर रही हूँ so आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है चलो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए जाओ और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी <laughs> <laughs> चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय सी या डू टेक वेरी गुड के